नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जायकी की रसोई में, जहां पे आपको बताई जाती है तरह तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज, जिसमें कुम्हौनी रेसिपीज भी होती हैं और देसी रेसिपीज भी होती हैं और फॉरेन रेसिपीज भी होती हैं, कॉन्टिनेंटल नॉन कॉन्टिनेंटल हर तरह की स्पाइसी और हेल्थी रेसिपीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। इसी तरह आज आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया रेसिपी जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम है हेल्दी भटके डुबके। जी हाँ, हेल्दी भटके डुबके। तो आइए चले जानते हैं इस कुम्हौनी और हेल्दी रेसिपीज को कैसे बनाया जाता है, किस तरह आप इसको बना सकते हैं, कैसे आपको परोसना है, कैसे खाना है, जो कि आपकी हेल्थ को काफ़ी बढ़िया और बहुत बढ़िया बना देगा। तो आइए चले जानते हैं। ये मैंने कल रात को ये कटोरी भर लिए, बीन के साफ करके धोए, धोने के बाद मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद ये सवेरे जो भर भिगे हुए पानी होता है इसी में मिला देती हूँ। ये मैंने बारीक करके पीसे हैं ये। तो आइए, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भट लेना है। भट आप कम से कम ये मान के चलिए दो कटोरी यानी मान के चलिए कम से कम 150 ग्राम आपको भट लेनी है। इसको अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद धो लेंगे, धोने के बाद भिगो लेंगे। इसको आप रात भर भिगोएंगे, ठीक है, रात भर भिगोएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर बाद में भिगोगे, फिर सुबह इनको फिर पीसो। सिलबट्टा में मैंने पीसे ये। पीसने के बाद मैं इनको क्या जो पानी भिगा हुआ है इसमें मिला दिया मैंने ये। अब मैं इनको करूँगी, एक कटोरी भट है ये मेरा। तो देखिए सबसे पहले इसको आपको भिगो लेंगे, फिर सुबह उठ के जैसे आप उठेंगे तो इसको आप पीस लेना है। पीसने के लिए आप इसको क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंड में भी ग्राइंड कर सकते हैं या फिर एक सिल होता है, ठीक है। सिल आपको दिखा देते हैं सिल होता क्या है। ये देखिए ये सिल होता है, ठीक है, और इसको पीसने के लिए आपका बट्टा ये बट्टा से पीसा ऐसे। हाँ, तो इसमें आपका पीस जाएगा आपका। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे से करेंगे तो आपका टेस्ट ज्यादा आएगा। उसके बाद क्या करना है, आधा कटोरी मैंने चावल डाल रखा है, पक गए, इसके ऊपर डाल दूंगी इसको मैं ये। तो देखिए आपको कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें कम से कम आपको 1 लीटर पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको उसमें 80 ग्राम चावल लेने हैं, यानी एक मुट्ठी चावल लेने हैं, और उसको हम इसमें पका लेंगे। तो देखिए दर्शकों, ये चावल आपके इसमें पक रहे हैं। पक गए चावल, मैं डालने के लिए तैयार हूँ इसमें। ये देखो, इसको झोली के साथ भी खा सकते हो, झोली बनाओ और उसके बाद क्या कहते हैं ना, नमक चटपटा नमक के साथ भी खा सकते हो। बढ़िया हेल्दी भी होती है, इसका दूध होता है, भटका दूध देखो कितना बढ़िया हो रहा है। ये भटका दूध है, ये इससे ताकत होती है। तो देखिए दर्शकों, आप जैसे चावल पक जाएंगे, जो हमारे पिसे हुए भट होंगे, इसको हम यहाँ पे हम डाल देंगे। भट मैंने चावल पक गए, मैंने डाल दिया देखो ये बढ़िया करके। इसमें मैंने आधा लीटर पानी डालूंगी। जैसे चावल पक जाएंगे पानी में, अच्छे से पकने के बाद उसमें हम जो पिसे हुए भट हैं वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाता है, एक मिश्रण बन जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। इससे निकला हुआ जो दूध होता है, ठीक है, जो दूध आपका जैसे सोयाबीन का दूध होता है उसी तरह भट के जो जिस काली सोयाबीन भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसका भी दूध होता है। तो ये आपका मिल्क होता है इसका, ये काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है और बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। बहुत से लोगों की जैसी बोन्स में आपकी चट चट आने की आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है, वो दूर हो जाती है। आपका ब्लड अच्छा हो जाता है, ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जिसको खून की कमी होती है वो खून का लेवल अच्छा हो जाता है। ब्लड अगर आयरन की कमी हो, आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो इस रेसिपी को बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। सब बढ़िया सा है, इसका कढ़ाई का आयरन मिल जाता है, इससे आयरन मिलता है। बढ़िया सा भटका दूध है ये, हेल्थ के लिए भी ताकत की बढ़िया होती है, इसकी ताकत होती है। ये देखो सर्दी में ज़्यादा खाते हैं इसको, खाते तो डूब के हमेशा खाओ, पर सर्दी में और ज़्यादा होता है ये बढ़िया। तो देखिए इसको जब लोहे की कढ़ाई बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाने के और सारे गुण हैं, क्योंकि लोहा इसका भी मिल जाता है हमें। और इसको अगर आप बनाएं तो आप खाएंगे कैसे, या तो इसको आप हरी धनिया के नमक के साथ खाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसको जो दही कड़ी होती है, ठीक है, बेसन की कड़ी होती है, आपका प्याज अनियन कड़ी, अगर आपने नहीं आता बनाना तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेसन की कड़ी कैसे बनाई जाती है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी आप ये इसको मिला के खा सकते हैं। हाँ, मिला खा सकते हैं, नमक के साथ भी चटपटा खा सकते हैं। गर्मी में ऐसे क्या होता है, लहसुन लाल मिर्च हरी साबुत धनिया और लहसुन सब पीस के बढ़ाओ, उसके साथ भी बढ़िया लगता है ये सब पसंद करते हैं इसको। ये हेल्दी भी होती है और बढ़िया ताकत होती है। कभी कुछ खाना चाहिए, कभी कुछ खाना चाहिए, बढ़िया हेल्दी होता है। देखो भटका डुबके बन गए ये। अच्छा मैं मतलब पानी डाली हूँ आधा लीटर ये। तो देखिए इसमें हम यहाँ पे पानी डाल देंगे, ठीक है, आधा लीटर से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए किस हिसाब से क्वांटिटी ले रखी है आपने। मैंने तो आधा लीटर ही डाला।
और पहले थोड़ा सा इसमें भटका पानी था, इसलिए मैंने आधा लीटर डाला। तो देखिए इसको पानी डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, और अच्छे से मिलाने के बाद आपको कुछ देर तक घुमाते रहेंगे, और जैसे देख सकते हैं आपका जो आपका ये झाग आपको दिख रहा है, ये भटके जो डुबके होते हैं उसी का जो आपका जो मिल्क होता है उसका है आपका, जो भटका दूध होता है उसका झाग हो जाता है। ये बढ़िया सा करके घुमा के बनाओ इसको, बढ़िया करके पक जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक के साथ भी खा सकते हो थोड़ा सा, और झोली के साथ भी बढ़िया सा। ये कुछ देर पकाने के बाद ये आपकी अच्छे से पक जाएगी। 5 मिनट तक इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम में घुमाते रहेंगे, आपकी बड़े से बढ़िया भटकी दुबके की रेसिपी तैयार हो जाएगी। फिर आप नमक के साथ परोसिए या फिर आप दही बेसन कढ़ी के साथ परोसिए, तो आपकी एक बहुत ही हेल्दी डाइट यहाँ पे, आप चाहे दिन में खाइए चाहे आप सुबह खाइए, आपकी बहुत ही हेल्दी डाइट आपकी बनके तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ा झोले के साथ खा लिया स्वाद अनुसार, थोड़ा थोड़ा नमक के साथ खाओ चटपटा, ये देखो बढ़िया चाहिए, हेल्दी बढ़ेगी इसका, बढ़िया दूध देखो भटके डूब गए, स्वाद बिल्कुल टेस्टी आएगा बिल्कुल आपको। और ऐसे बनाना आपको बता रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये देखो ये। तो यहाँ पे देखिए आपके जो भटके डुबके थे जो हमने खोलाने रखे थे, तो आपके बढ़िया से बढ़िया भटके डुबके जो कि आपके हेल्थ के बहुत बढ़िया हैं, आयरन मिलेगा, आपका ब्लड जो कि खून की कमी है उनके खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह की हेल्दी रेसिपी जानने के लिए जुड़े रहिए जायके के परिवार के साथ, और बने रहिए जायके की रसोई में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं यहाँ पे अलविदा, और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। खुद भी खाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए, और जितने भी आपके क्लोज बिलोंगिंग हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस भी बताना यहाँ पे ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ जायके की रसोई में। धन्यवाद।